हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ एक साथ दो सेटअप का साउंड टेस्टिंग, जिसमें एक सेटअप में आपका 2600 का डुअल बेस रहने वाला है, जिसमें दो बेस रहेगा, और दूसरे सेटअप में हमारा SWX 2100 का बेस रहने वाला है। और आप में से कुछ भाइयों ने कमेंट भी किया था कि SWX 2100 और 2600 में कितना अंतर होता है, तो चलिए इस सेटअप में, इस वीडियो में आप देखेंगे इसी का वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको सेटअप दिखाऊंगा, उसके बाद उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दूंगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आइए इसका साउंड टेस्टिंग देखते हैं। तो ये सेटअप है अपना SWX 2100 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो बेस रहा और ये अपना चार्ट ऑफ हुआ, जो कि DRX 525 है। इसको चलाने के लिए DJ 6000 और इसको चलाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं DX 3502। चलिए उस सेटअप में आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये अपना सेकंड सेटअप है और इसमें है 2600 का डो डुअल बेस और DRX 725 का चार टॉप। और इसको रन करने के लिए DX 3502 है, जिसमें चार टॉप चल रहा है, और इसको चलाने के लिए हम LX 6000 का यूज़ कर रहे हैं। तो आइए इसका साउंड टेस्टिंग एक बार देख लेते हैं, हेडफोन ज़रूर लगाना। दोस्तों, साउंड टेस्टिंग से पहले एक छोटा सा मिस्टेक था, यहाँ पर मैंने LX 6000 बोला था 2600 के लिए, तो यहाँ पर 2600 के बेस को चलाने के लिए ना मैंने DJ 6000, जो कि स्टूडियो मास्टर का होता है, उसका यूज़ किया था। वो दोनों सेटअप एक साथ वीडियो बना रहा था, इसलिए आगे पीछे बोल दिया था। तो यहाँ पर 2600 के दो डबल बेस को चलाने के लिए स्टूडियो मास्टर का DJ 6000 एम्पलीफायर का यूज़ किया है, और फ्रीक्वेंसी सेट करके रखा था मैंने 120 हर्ट्ज पर चैनल, और मशीन जो है मोनोमोड पे था। मैं स्टेरियो मोड पे बहुत ही कम यूज़ करता हूँ। और इसमें आप देख सकते हैं, इस सेटअप के लिए हम यहाँ पे 20 KVA का जनरेटर यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअल में ये 12 KVA के सेटअप में भी चल जाता है जनरेटर में, बट हमारे पास अब छोटा जनरेटर नहीं है, एक 20 KVA का है और एक 12 KVA का है, तो इस सेटअप को हम 20 KVA जनरेटर में चला रहे हैं। तो गाड़ी को पहले निकालते हैं बाहर, उसके बाद हम इसका साउंड टेस्टिंग देखेंगे। तो दोस्तों, साउंड टेस्टिंग के दौरान आप हेडफोन ज़रूर लगाइएगा, और सेटअप का साउंड टेस्टिंग जो है मैं एक के बाद एक आपको सुनाऊंगा। पहले हम इसका साउंड टेस्टिंग सुनेंगे, और साउंड टेस्टिंग थोड़ा सा लंबा रहेगा, तो आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं जिस समय आप इसका साउंड टेस्टिंग सुनेंगे। तो चलिए इसका साउंड टेस्टिंग सुनते हैं, उसके बाद फिर हम 2100 का साउंड टेस्टिंग सुनेंगे। We'll be right back.
दोस्तों ये देखा आपने इस वाले सेटअप का साउंड टेस्टिंग जो कि 2600 वाले बेस का था और साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा यहाँ पे सुनने को मिला। जैसा कि आपने हेडफोन लगाया है तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका होगा। अब हम क्यों वीडियो में आगे बढ़ते हैं दूसरे सेटअप के ऊपर, ये आप देख सकते हैं जो कि 2100 वाले डुअल बेस का रहेगा और इसमें हम एक 12 KVA के जनरेटर के यूज़ करेंगे जो कि आप वीडियो में सामने देख रहे हैं। और वीडियो को मैं फास्ट करता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए ये सेटअप को हम सबसे पहले रेडी कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये चार्ट ऑफ है जो कि मॉडल 525 है लेकिन हमने इसको अपडेट करते हुए 625 बना चुके हैं। मतलब ऐसा है कि इसमें जो 625 का स्पीकर सिस्टम होता है ना, वो इसमें हम लगवा चुके हैं। मतलब एक स्पीकर इसमें 350 वाट का है, इस प्रकार से ये टॉप जो है एक टॉप 700 वाट का बन जाता है। तो यहाँ पर ये चार टॉप और ये टू डुअल बेस का रहेगा। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इस बेस को चलाने के लिए DJ 6000 का यूज़ किया है, वो मिस्टेक हो गया था। इस बेस को चलाने के लिए हम LX6000 का यूज़ कर रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छा बज रहा था। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, इसका साउंड टेस्टिंग मैं आपको दिखाता हूँ। और हमारा ये सेटअप भी कंप्लीट हो चुका, पहला सेटअप का आपने टेस्टिंग तो देखा ही है जो कि पीछे रखा हुआ है। तो अब हम सेम उसी जगह पे इसका भी टेस्टिंग करेंगे। तो साउंड टेस्टिंग के दौरान बिल्कुल अपना हेडफोन लगा लीजिएगा, आइए इसका साउंड टेस्टिंग सुनते हैं। तो यहाँ पर देखा आपने इन दोनों सेटअप का साउंड टेस्टिंग, आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगा बिल्कुल बताना। और आपने हेडफोन लगाकर इसका टेस्टिंग तो देखा ही होगा, आपको समझ में आ ही गया होगा कौन सा सेटअप कितना क्वालिटी दे रहा था।
फिलहाल मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा, तो 2600 में थोड़ा सा वाइब्रेशन ज़्यादा था और 2100 में वहाँ पे हमें पंच ज़्यादा देखने को मिल रहा था, और टॉप में तो बेस ज़्यादा देते नहीं है इसलिए नॉर्मली दोनों का साउंड बराबर वहाँ पे देखने को मिल रहा था। बस थोड़ा सा 2600 वाला सेटअप ज़्यादा इसलिए बज रहा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि 2600 के सेटअप में जो है हम 20 किलोवाट के जनरेटर के यूज़ कर रहे हैं, और जो छोटा सेटअप है 2100 वाले सेटअप में हम 12 केवी के जनरेटर का यूज़ कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये सेटअप काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और अच्छे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।